राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम डॉक्टर वर्गीज कुरियन मिल्कमैन ऑफ इंडिया। साथियों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने एक ऐसा काम करके दिखाया है जिसका सपना हमारे देश के लाखों किसान कई वर्षों से देख रहे थे। ये सपना अब साकार हो चुका है और वो सपना है हर घर में शुद्ध दूध के बने उत्पाद पहुंचाने का। हाँ, ठीक पहचाना, अमूल आनंद मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड ही है उस सपने का नाम। बच्चे ही नहीं, अब तो उनके पिताजी और दादाजी को भी ये नाम बहुत पसंद है। ओफो पापा, कितनी देर हो गई घूमते घूमते। हाँ। अब एक आइसक्रीम तो खिला दो। आइसक्रीम? हाँ बेटा जरूर, चलो देखते हैं कहाँ पर है आइसक्रीम वाला। वो देखिए, वो रहा अमूल आइसक्रीम वाला। अरे वाह, तो फिर चलो लेते हैं आइसक्रीम। आज तो मैं भी तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाऊंगा। देना भैया दो आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम चाहिए? कौन सी लोगे राजू? मैं एक चॉकलेट आइसक्रीम लूंगा। और मुझे देना एक कप वेनिला फ्लेवर। लीजिए लीजिए। चलो भैया, ये तुम्हारे पैसे। क्यों राजू, कैसी लगी आइसक्रीम? मजा आ गया। अच्छा राजू, क्या तुम्हें पता है अमूल कंपनी किसने शुरू की थी? नहीं तो। इसके संस्थापक का नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आई बिलीव दैट माई एम्बिशंस आर बेस्ट सेटिस्फाइड when I am able to fulfill the ambition of those who pay my salary, and those are the farmers of Kera district. जी हाँ, ये वही वर्गीज कुरियन हैं जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। ये श्वेत क्रांति क्या है, इसका मतलब क्या है? दरअसल जिस तरह फसलों का उत्पादन जब बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसे हरित क्रांति कहते हैं, उसी तरह दूध के उत्पादन में तेज बढ़ोतरी को श्वेत क्रांति कहते हैं। डॉक्टर वर्गीज ने अपना सारा जीवन इसी क्रांति की मशाल को घर घर पहुंचाने में लगा दिया। ये उस आदमी की कहानी है जिन्होंने सारे भारतवर्ष में दूध की नदी बहाने जैसे असंभव कार्य को भी संभव बना दिया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर सन 1921 में केरल के कालीकट शहर में हुआ था। उनकी रुचि बचपन से ही विज्ञान में थी। सन 1940 में उन्होंने मद्रास, जिसे आज चेन्नई कहते हैं, वहां के लोयला कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। और फिर इसके बाद वे अमेरिका गए और वहां सरकारी वजीफे से मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री भी हासिल की। अमेरिका से वापस आते ही उन्हें सन 1949 में गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में आनंद नामक सरकारी कंपनी में
डेयरी इंजीनियर के रूप में नौकरी मिल गई। इस कंपनी में दूध से कई तरह की चीजें बनाई जाती थीं। नौकरी तो मिल गई, लेकिन आनंद में काम करके कुरियन साहब को बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां कोई चुनौती या लक्ष्य तो था नहीं। एक दिन उन्हें श्री त्रिभुवन दास पटेल ने अपने पास बुलाया। त्रिभुवन दास एक किसान होने के साथ साथ एक सच्चे किसान नेता भी थे। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर कुरियन, नमस्कार। एकदम सही समय पर आए हो। मैं आपको ही याद कर रहा था। अच्छा? आइए बैठिए। जी धन्यवाद सर। कहिए, कुछ खास बात है सर? हाँ, आप तो जानते ही हैं, मैं केडीसी एमपीयूएल को संभाल रहा हूँ। जी सर, मैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड को अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन डॉक्टर कुरियन, आजकल मुंबई की एक निजी कंपनी से हमें बहुत जबरदस्त चुनौती मिल रही है। मैं जानता हूँ सर। हाँ, इसी सिलसिले में कुछ समय पहले मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बुलाया था। जी। उन्होंने कहा कि इस जिले में किसानों के पास मवेशियों की भरमार है, जिसके कारण दूध की भी कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन उस दूध के भंडार का ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब लोग बिखरे हुए हैं। नहीं सर, देखिए, उनमें एकता तो है, पर उस एकता का लाभ उठाने के लिए संसाधन और कार्य कुशलता नहीं है। भला गरीब और अनपढ़ किसानों में प्रबंधन की कुशलता कहां से आएगी? हाँ, तुम समस्या को कितनी गहराई से समझते हो ये मैं जानता हूं। इसीलिए मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। बताइए ना सर, मैं भला आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? देखो डॉक्टर कुरियन, मेरी इच्छा है कि इस काम का बीड़ा तुम उठाओ। जी। खेड़ा जिले के किसानों के चेहरे पर वो खुशियां ला दो जिनके लिए वो सदियों से तरस रहे हैं। सर मैं जानता हूं कि ये काम तुम कर सकते हो, लेकिन सर... सरकार की ओर से जो भी सहायता चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन सर, जिस तरह की समस्या आप बता रहे हैं ना, वो तो कोई अच्छा प्रबंधक ही हल कर सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और मेरा ख्याल है कि वो प्रबंधक तुम ही हो सकते हो। जी, मैं? हाँ, तुम ही हो सकते हो। और फिर डॉक्टर कुरियन ने प्रबंधक का कार्यभार संभाल लिया। डॉक्टर कुरियन ने वास्तव में उस नींव पर ऐसी इमारत खड़ी की जो आज तक उसी तरह बुलंदी का परचम लहरा रही है जैसी कल्पना त्रिभुवन दास पटेल ने की थी। लेकिन बहुत से विशेषज्ञ, खासकर न्यूजीलैंड के, जो भारत को दूध का पाउडर बेचते थे, वो कहते थे कि भैंस के दूध से दूध का पाउडर बन ही नहीं सकता। पर डॉक्टर कुरियन कहां हार मानने वाले थे, उन्होंने कोशिशें जारी रखी। श्री एच एम दलाया, जो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कुरियन के साथ थे, वो अब एक डेयरी विशेषज्ञ के रूप में उनके सहयोगी बन चुके थे। एक दिन डॉक्टर कुरियन ने मिल्क पाउडर के बारे में श्री दलाया से बात की। लेकिन डॉक्टर कुरियन, देखो दलाया, प्रोफेसर रिडल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उनका कहना है कि ये बिल्कुल संभव नहीं है। वो न्यूजीलैंड के हैं, उनका निजी स्वार्थ है। अगर हम दूध का पाउडर बनाने लगेंगे तो उनके दूध के पाउडर की मांग कम हो जाएगी। अच्छा, जब टेक्नोलॉजी से ये सब संभव नहीं है तो आप कैसे ये चमत्कार करेंगे? सर, कर्म करूंगा तो फल भी मिलेगा। That's like you, Mr. Dalaya. Thank you, sir. मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो चलो दलाया, दुनिया को दिखा दें कि भारत क्या कर सकता है। जी सर। Come on, let's get on to the job. हाँ, ये स्टार्ट करते हैं।
अमूल डेयरी के उद्घाटन से केवल और केवल 24 घंटे पहले भैंस के दूध से आखिर दूध पाउडर बना ही लिया गया। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। और 31 अक्टूबर 1961 का दिन सरदार पटेल का जन्मदिन, और इस दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू अमूल डेयरी का उद्घाटन करने के लिए आए। उन्होंने डॉक्टर कुरियन को गले लगाते हुए कहा, आई एम ग्लैड दैट इंडिया हैज सच पीपल हु कैन गेट थिंग्स डन दैट कैन नॉट बी डन। डॉक्टर कुरियन इस काम को सारे भारत में फैलाना चाहते थे ताकि कहीं भी दूध की कमी ना रहे। खेड़ा जिले के किसानों की तरह ही वो सारे भारत के किसानों की किस्मत बदल देना चाहते थे। डॉक्टर कुरियन के अथक प्रयासों का परिणाम था कि सन 1964 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जब संस्थान में कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन किया तो उन्होंने एक साधारण किसान के घर में एक साधारण अतिथि के रूप में एक रात गुजारने की इच्छा जाहिर की। शास्त्री जी ने एक रात किसी की झोपड़ी में गुजारी ही नहीं बल्कि उनकी मुश्किलें भी सुनी। और फिर सन 1965 में जब राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना की गई तो इसका भार भी डॉक्टर कुरियन ने अपने मजबूत कंधों पर संभाल लिया। उनकी मेहनत के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें सन 1965 में पद्मश्री और सन 1966 में पद्म भूषण के अवार्ड से विभूषित किया। लेकिन इतने बड़े पुरस्कार यानी अवार्ड को पाकर भी वो बैठे नहीं बल्कि पूरी लगन से काम में लगे रहे। सन 1973 में उन्होंने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की। इसमें दूध से बने विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे मक्खन, पनीर और घी आदि तैयार किए जाने लगे। अब तो इनका निर्यात भारत से बाहर विदेशों में भी होने लगा है। इसी के फलस्वरूप उन्हें सन 1986 में कृषि रत्न अवार्ड दिया गया और फिर सन 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइज का अवार्ड भी मिला और सन 1993 में उन्हें एक विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। सभी लोग कृपया शांत हो जाइए। अब वो क्षण आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। वर्ष 1993 के लिए इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जाता है उन्हें जो भारत वर्ष में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और वे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर कुरियन सभागार में बैठे दर्शकों और अपने प्रशंसकों से दो शब्द कहें। आइए आइए डॉक्टर कुरियन। धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं उद्घोषक साहब से माफी चाहूंगा क्योंकि केवल दो शब्द में अपनी बात समाप्त करना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन घबराए नहीं,
मैं अधिक समय भी नहीं लूंगा। साथियों, पहली बात तो यह है कि मैं इंटरनेशनल व्यक्ति नहीं, बड़ा ही मामूली आदमी हूं। ना ही मुझे लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। यह तो इस संस्था का बड़प्पन है जो मुझे यह अवार्ड दिया है। दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अवार्ड किसी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को नहीं, उसकी मेहनत को भी नहीं, बल्कि यह अवार्ड तो उन लाखों भारतीय किसानों के लिए है जिन्होंने इस कार्यक्रम को विश्व स्तर तक लाने में अपना पसीना बहाया है। मैं समझता हूं कि यह काम कोई अकेला व्यक्ति कर ही नहीं सकता था, इसीलिए मैं ये अवार्ड उन मेहनतकश किसानों को समर्पित करता हूं। They have seen what can be achieved by one man if he will dedicate himself to that task. We always say, what can one man do? One man can create an army. And then everything will happen. Thank you. ऐसे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्होंने विश्व मंच पर भी अपनी मेहनत का श्रेय लेने से इनकार कर दिया। अवार्ड मिलते रहे और वे अपना काम बिना थके करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। शोध एवं आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, जैमिनी कुमार, बाबला कोचर, राजेश आहूजा और आकाश, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।